नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको M4 Pro वर्सेस मोटोरोला G31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोको M4 Pro में 6.29 इंच जबकि मोटो G31 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो पोको M4 Pro में 2.91 इंच जबकि मोटो G31 में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो पोको M4 Pro में 0.31 इंच जबकि मोटो G31 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि पोको M4 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो पोको M4 Pro में 179.5 ग्राम जबकि मोटो G31 में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोको M4 Pro में 6.43 इंचेस जबकि मोटो G31 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोको M4 Pro में 84.64% जबकि मोटो G31 में 82.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोको M4 Pro में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि मोटो G31 में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोको M4 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और मोटो G31 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोको M4 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और मोटो G31 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोको M4 Pro में माली G57 MC2 जबकि मोटो G31 में माली G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोको M4 Pro में MediaTek Helio G96 और मोटो G31 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो पोको M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 6 GB, 8 GB की रैम मिलती है, जबकि मोटो G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोको M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि मोटो G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो पोको M4 Pro में 3 कलर्स जबकि मोटो G31 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें मोटो G31 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो पोको M4 Pro में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटोरोला G31 की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको M4 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको M4 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Infinix Zero 8i है, तीसरा Moto G60 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।